ஞானி மூலம் குரு மூடி பூஜா மூலம் குரு பதம் மந்திரே மூலம் குருர்வாக்கியம் மோக்ஷி மூலம் குருர் கிருபா மோக்ஷி மூலம் குருர் கிருபா அர்ஹத் வீத்ராக் பரமாத்மா ஆத்மஜானி நிர்கிரந்த் சத்குருதேவ் आगम वाणी को भावमय वंदना। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सृष्टि में हर एक जीव की एक यात्रा है। इस यात्रा जहां एक दूसरे के लिए सहयोगी है, हर सहयोग में भी विरोध मिलता है और विरोधों में भी सहयोग मिलता है। को सभी अनुभव करते हुए जीते हैं और तब कई बार कुछ लोग ऐसी लेते हैं कि यहां विरोध विरोध है, तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि यहाँ कि अपने दुश्मन ऐसा देखते हैं कि दुश्मन अपने हो जाते हैं और बहुत जीवों के साथ जिंदगी जीते हुए हर जीव को अपना रास्ता भी चुनना है, अपनी मंजिल पानी है, अपनी इच्छाएं भी पूरी करनी है, अपने निर्धारित लक्ष्य भी हासिल करने हैं। और तब जबकि सबको अपने अपने लक्ष्य हासिल करने हैं, तब एक सवाल पैदा होता है कि हम अपने लक्ष्य प्राप्त जाते हैं, हम अपने रास्ते हमारे में बाधाएं क्यों आ जाती है। सफल होना चाहते हैं, अपनी मनो करना चाहते, नहीं देना फिर क्यों आ जाता। हमारी सफलता में कौन है जो हमें डिस्टर्ब करता है? रोड़े डालता है, बार बार हमें करता है, हमारे आता हुआ कौर छीन लिया जाता है। कई बार हम लेकिन वहां मार्ग जाता है, वो कौन है जो हमारे को बाधा बनता है और फिर हम अपने कैसे पहुंच सकते। जो सफलताएं मिल रही होती है, जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, तब कोई नहीं सोचता कि कौन बाधा है, बाधा है ही नहीं। आती है सोचते हैं कि कौन बाधा है और तब बाधा कौन, तो आदमी सोचता है कि अगर नहीं बाधा तो पहले भी चल रहा था, मैं ही पा रहा था, मैं कर रहा था, तब भी अगर बाधा बन गया तो फिर मुझ में दिक्कत है। बोलते हैं पहले कल तक तो मुझे प्यार करते थे, आज मुझसे झगड़ा कर रहे हैं, तो क्या मैं खराब हो गया? क्या मैं वही आदमी नहीं हूं जिसे तुम कल तक प्यार करते थे? तो दूसरे लोग कहते हैं तो तुम वही, अब तुम्हारी आदतें बदल गई है, सोच तुम्हारा व्यवहार हमें डिस्टर्ब।
बाधा क्या है? या समय? किस्मत? किस्मत नहीं, समय। समय बात है। लोग बोलते हैं किस्मत से ज्यादा समय से पहले किसी को नहीं मिलता, ये बात सच लगती है कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। तो पता है कुछ लोग बोलते हैं कि जब समय में मिलना होगा तो मिल जाएगा, फिर सोचना क्यों? में लिखा होगा मिलना तो मिल जाएगा, फिर परेशान होना। ऐसे ही लोग कहते भी और परेशान भी रहते, क्या है बाधा? एक बार सोचना तो पड़ेगा। और बाधाएं बाधा है, बाधाएं जो आ रही है वो बाधा है या उन बाधाओं के प्रति हमारा एटीट्यूड बाधा है, ये भी एक बात है। मान लो किसी ने पत्थर रखे, तो पत्थर रखने वाला बाधक है या हमें पत्थर नहीं दिखलाई दिया ये बाधक है। हमें अपनी गाड़ी का गियर चेंज करना नहीं आया ये बाधा है, या सामने वाले ने हमारे रास्ते में डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करी वो बाधा है, क्या बाधा है? तो हम सब जानते हैं कि कई बाधाएं ऐसी होती है जिनको हम बाधा बना लेते हैं, वो बाधा होती नहीं। जैसे कि अपने पारिवारिक लोगों का आक्रोश, एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ। पारिवारिक लोग जब हम पर आक्रोश करते हैं, हमारी क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी आलोचनाएं करते हैं, हमारी कमियां निकालते हैं, तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हमें लगता है ये लोग हैं जो मेरे को शांति से जीने नहीं देते, जो मेरे सुखों को देख करके जलन करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वे पारिवारिक लोगों का आक्रोश बाधक है या आक्रोश करने वाली हमारी नजर बाधक है। क्या आक्रोश नहीं बाधक है? उस आक्रोश को ग्रहण करने वाली हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारी अपनी दृष्टि बन जाती है। बहुत सारी बातें हैं, जिंदगी बहुत सारे तत्वों का जोड़ है। जिन तत्वों का ये जोड़ है उसको सूत्रों की भाषा में समवाय कहते हैं। पांच समवाय है, मोटा मोटी पांच समवाय है, यूं तो अनंत समवाय है। यूं तो अनंत तत्व है जो मिलकर के हमारी जिंदगी के सारे ताने बाने को बुनते हैं, लेकिन फिर भी मोटा मोटी पांच है। उन पांचों में हमें पांचों को ही समझना होगा। पहला समवाय जो हमारी जिंदगी की सारी राहों को बनाता है, बुनता है, हमें बनाता है, वह है हमारा पुरुषार्थ। पुरुषार्थ यानी हमारा भाव कल्प, अपना अपनेपन का जो अर्थ बनाया, जो आकार बनाया, वो हमने अपने पुरुषत्व को क्या अर्थ दिया, आकृति दी, क्या सोच दिया, क्या लक्ष्य दिया, वो हमारा पुरुषार्थ है। एग्जाम्पल समझेंगे हम बाद में इन सबको। तत्व है पुरुषार्थ, समवाय। दूसरा समवाय जो हमें बनाता है, हमारी जिंदगी की हर घटनाओं को बनाता है, वह तत्व जो सब बनाने में योगी है, उस दूसरे तत्व का नाम है निमित्त। हम जो कुछ करना चाहते हैं वो बिना निमित्तों के नहीं कर सकते, बिना सहयोगियों के नहीं कर सकते। निमित्त यानी सहायक तत्व, हमारी सोच को जो सहायता देता है,
चाहिए, जो दूसरों की हेल्प चाहिएगी वो है निमित्त। हर व्यक्ति को अपने भाव के अनुरूप निमित्त हर वक्त नहीं मिलते। कभी भी नहीं मिलते। ऐसा क्यों? उसका कारण बताया, नियति और काल। नियति यानी डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी में, हमारे प्रारब्ध में अगर कुछ लिखा है, अगर कुछ रचा है, अगर कुछ बना है, हमारे प्रारब्ध में वो कार्य होने के लिए कुछ बीज पड़ा है, तो उन बीजों को मिलेगा, उन बीजों को मिलेगा, उन बीजों को पुरुषार्थ मदद करेगा और वो कार्य हो पाएगा। तो तीसरा और चौथा तत्व है नियति और काल। पहला है पुरुषार्थ, दूसरा निमित्त, नियति, चौथा काल। पांचवा तत्व है स्वभाव। स्वभाव यानी हर एक पदार्थ इस प्रकृति में जो मौजूद है, हर पदार्थ का अपना एक स्वभाव है, हर एक द्रव्य अपना स्वभाव है, अपना एक गुण है, वो अपने गुण के विपरीत यात्रा नहीं कर सकता। जैसे आग गर्म है, तो अपने गर्म गुण का काम, लेकिन ठंडे का कुछ काम करना है तो दूसरा तत्व चाहिए। कैर, केला, बैंगूर, हर एक द्रव्य अपने अपने स्वभाव में जीता है। जिसका जो बीज होता है वो वैसे ही फल देता है। ये स्वभाव है। हर इंसान का भी अपना अपना स्वभाव है, अपनी अपनी प्रकृति है। इन पांचों तत्वों योग होने पर घटनाएं बनेगी। पुरुषार्थ, निमित्त, नियति, काल और स्वभाव। जब भी हम कुछ सोचते हैं, हमारी सोच को परिणत होने में, सफल होने में जो तत्व सहयोगी होंगे, उन तत्वों का नाम समवाय, और ये पांच तत्व सहयोगी होंगे। सबसे पहले हमारे भीतर का सोच, वही हमारा पुरुषार्थ। घर से सुबह सभी लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, लेकिन सभी लोगों की सोच अलग अलग होती है। जो मजदूर निकला है वो सोचता है आज 2000 रुपए की कमाई हो जाए तो मजा आ जाए। एक आदमी है वो सोच के निकलता है आज 10 लाख की डील फाइनल हो जाए तो मजा आ जाए। अब कोई 10 लाख की डील को सोचता है, कोई 2000 रुपए की कमाई को सोचता है। अब ये अलग अलग लोगों की सोच ऐसी क्यों आती है? क्यों? क्योंकि सबको अपनी अपनी काबिलियत का भरोसा अलग अलग है, सबके भीतर की प्रेरणाएं अलग अलग है। हमको अपनी काबिलियत पर भरोसा कैसा है? जब हम दक्ष होते हैं, लायक बनते हैं, पढ़ते लिखते हैं, समझदार बनते हैं, हमारे को अपने ऊपर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जो लोग नहीं पढ़ते लिखते, जो लोगों को ऐसा माहौल नहीं मिलता, जिन लोगों के अंदर ऐसी समझदारी नहीं प्रकट होती, उन लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तो कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होने से सोच बदल जाती है, और सोच बदलने से भी कॉन्फिडेंस का लेवल बदल जाता है। दोनों बातें जुड़ी हुई। जो आदमी को लगता है कि मैं मजदूरी कर सकता हूं, वो 2000, 5000, 10000, 30000 तक सोचेगा, वो करोड़ों अरबों की शायद नहीं सोचेगा। लेकिन जिसको अपने अंदर भरोसा है, जिसको ऐसा माहौल मिला है, या जिसने अपने लिए ऐसा माहौल पैदा कर लिया है, उसकी सोच अलग होगी। ये जो सोच की डिफरेंस है, इसी को हम यहां पुरुषार्थ कह रहे हैं कि सबके अर्थ अलग अलग है। अब जो अर्थ अपने में दे देते हैं हम वैसे बनने लग जाते हैं। हम अपनी जिंदगी को अर्थ देते हैं, हम अपने विचारों को अर्थ देते हैं, हम अपने आप को अर्थ देते हैं। अपने आप को हम क्या अर्थ देते हैं, क्या वैल्यू देते हैं, हमने अपनी वैल्यू क्या बनाई, ये सोचे। हम सबने इस दुनिया में अपनी एक वैल्यू बनाई है, हमने अपनी क्या वैल्यू बनाई, हमें क्या लगता है हम किस लिए हैं, हमारी
तुम्हारी क्या वैल्यू है? पर दिक्कत क्या है, हमारी वैल्यूएशन हम नहीं करते, कौन करता है? सामने वाला करता है। और सामने वाले की हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं तो वैल्यूएशन हम भी कर ही रहे हैं। और बात यह है कि हम सामने वाला हमारी वैल्यू कर रहा है, इन सब में देखना कि हम सबकी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्या करते हैं? हमें सबको अपनी वैल्यू बढ़ी हुई देखना अच्छा लगता है या घटी हुई देखना? हाँ, बढ़ी हुई देखना अच्छा लगता है। हम सबको अपनी वैल्यू बढ़ी हुई देखना अच्छा लगता है, और हमारी आदत दूसरों की वैल्यू घटाने की। सबसे पहली कमी हमारे में यह है, हम अपने पुरुषार्थ को छोटा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम अपनी वैल्यू घटा रहे हैं। जब एक स्टूडेंट बहुत अच्छे से एफर्ट करता है, एग्जाम देकर आता है, पेपर अच्छा होता है, जो उसका मार्क्स अच्छा नहीं आता तो वो क्या बोलता है? मुझे रिवैल्यूएशन कराना पड़ेगा, मुझे पुनः दिखलाना पड़ेगा कि मेरे मार्क्स कम क्यों हुए, जबकि मेरा एफर्ट्स अच्छा था, मेरा पेपर अच्छा था, सब कुछ मैं बढ़िया लिख कर आया, फिर क्यों? रिचेक करूंगा। आज वो दिन हम अपने आप को फिर से चेक करें कि मैंने अपनी वैल्यू क्यों घटाई, मैंने अपने साथियों की वैल्यू क्यों घटाई। देखो जरा, ये कमी तो नहीं हमारी हमारी सफलता में बाधक कि हमने अपनी वैल्यू कम करी और अपने साथियों की वैल्यू कम की? हम में से कितने लोग हैं जो ऐसा बोलते हैं कि कोई मेरी कदर नहीं करता, किसी ने मेरा मूल्य नहीं समझा, हम है ही किस लिए? क्या खाली खाना बना लिए, क्या खाली पैसा कमाने के लिए, क्या खाली नौकरी करने के लिए, क्या खाली पेपर काले करने के लिए? हम किसके लिए? हम सब अपने आप की वैल्यू को बहुत घटा चुके हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण हम तो है ही, साथ ही हमारा माहौल भी है। हम लोगों को सदा माहौल ऐसा मिलता है जो कि हमारी वैल्यूज को घटाता रहता है। इसीलिए हमें अपने में जो चेंज लाना है, वो पहला चेंज हम यहाँ से लाएं कि हम अपनी वैल्यू भी बढ़ाएं और अपने साथ की वैल्यू भी बढ़ाएं। तो हमारा पुरुषार्थ में काम ये समुदाय सहयोगी हर हमें आत्मविश्वास हो कि मैं योग्य हूँ, अपनी वैल्यू को कम मत होने दो और अपने साथियों की वैल्यू को भी गिनने मत दो। उनके लिए हमेशा ये वर्ड्स निकले कि आप कहाँ हो, आप पुण्यवान हो, आप जो रखोगे वो पूरा होगा, ऐसा बोलते हैं या ऐसा बोलते हैं? सोचने से क्या होता है? कुछ होता थोड़ी है। सपने बड़े देखने से क्या होता है? कुछ होता थोड़ी है। बहुत मेहनत किया, अब तक कुछ मिला नहीं, क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जिंदगी कहां तक पहुंच जाएगी? बड़ी बात हमारे दिमाग में आती है, लेकिन जरा बदलो अपने आप को और बोलना स्टार्ट करो कि हम वो सोचे जो को और हम सोचे वो हम पूरा कर सकते हैं, हम वैसा ही सोचे। अपनी सोच को वैल्यू दो। वैल्यू देने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को बढ़ाने के साथ, अपने भावनाओं को बढ़ाने के साथ सही निमित्तों का चुनाव करना सीखें, सही क्षेत्र का चुनाव करें जहां हम काम कर सकते, और जहां काम कर रहे हो, ऑलरेडी काम कर रहे हो, उस स्थान की महिमा को समझ सकते। क्योंकि कई बार
आदमी अच्छे स्थानों पर बैठा भी उस स्थान की महिमा को न समझने के कारण से, उस कर्म क्षेत्र की, उस कार्य क्षेत्र की गरिमा को न समझने के कारण से अपने आप को डिवेल्यूएट कर देता है, अपने फ्यूचर को भी डिस्टर्ब कर देता है। जहां है वहां पंगा मोल लेता रहता है, जहां है वहां असंतोष बना रहता है उसके अंदर, और वह असंतोष ही उसको धीरे धीरे और नकारात्मक एहसासों में और नकारात्मक भविष्य की ओर धकेल देता है। घर में रहते अपने घर को चेंज करना चाहते, आप ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको लगता होगा हम अपना घर चेंज करना है, हमें जॉब। जब अपना घर या जॉब चेंज करना होता है तो हमारे विचार किस टाइप के होते हैं, जिस घर में रह रहे हैं उसके प्रति और जिस जॉब में हम काम कर रहे हैं उसके कैसे विचार होते हैं। नेगेटिव, ये घर में ये कमी है, वो कमी है, ऐसा ठीक नहीं है, वैसा ठीक नहीं है, इसलिए मुझे चेंज करना होगा। ये जॉब बहुत सरदर्दी देती है, हमें मशीन बना रखा है, इसमें जानवर बना रखा है, समझ के क्या रखा है। हम उस जॉब के प्रति दुर्भावना से भरे, हम उस घर के प्रति दुर्भावना से भरे, और आप चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छी जॉब मिले। ठीक है, ऐसे ही होता है नॉर्मली। क्या इसके ऑपोजिट हो सकता है क्या? हम बोले ये घर बहुत अच्छा है लेकिन मुझे ऐसा है कि मैं इससे अच्छे घर का हकदार हूं, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलने के साथ ही हमने जो उसकी वैल्यू की, हमारी वैल्यू और बढ़ेगी। ये जॉब बहुत अच्छी है लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं मैं इससे भी श्रेष्ठ जॉब का हकदार हूं और वो मुझे। यह विश्वास है और यह विश्वास सही निमित्तों का चुनाव करवाएगा। सही निमित्तों का चुनाव करना जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय होता है कि उस एक निर्णय से न जाने कितनी सारी घटनाएं प्रभावित होती, चाहे वो सही मकान हो, सही दुकान हो, सही जॉब हो, सही व्यापार हो, या सही संतान या रिश्तेदार हो। हर एक फील्ड में हमें जितने भी लोग मिले वे सब निमित्त है, जो क्षेत्र मिला वो भी निमित्त है, और वो हर एक निमित्त सही मिले उसके लिए हमें अपने आप को जो मिला है उसकी वैल्यू करते हुए आगे बढ़ने की बात करनी है, ना कि उसे उसके कंप्लेन करते, करते उसे खराब बताते। और जिनकी भी गलती हम लोग करते हैं, तो जहां है जिनके साथ है हम उसको खराब अच्छे की उम्मीद करते हैं। खराब बताकर अच्छे की उम्मीद करना कि अच्छा मिल पाए, तो थोड़ी सी अपनी बाधा को पहचाने कि कहीं सही निमित्तों के चुनाव करने में गलती तो हमसे नहीं हो जाती। फिर तीसरी बात कि निमित्त सही चुनने पर भी, निमित्त जैसा भी हो, वो जैसा भी है, उसके साथ हम बिना शिकायत के रहना चालू कर देते हैं तब भी हम सफल क्यों नहीं होते, कारण क्या रह जाता है? एक बहुत बड़ा कारण है आज के युग में, आज की पीढ़ी में पाया जाने वाला एक दुर्गुण जो लोगों को सफल होना, सुखी होना, शांत रहना, प्रेमपूर्ण रहना, इस सारे सद्गुण में जिंदगी में बाधा डालता है, और वो कारण क्या है? इंसान में धीरज की कमी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सब की बारे में धीरज कम होता जा रहा है। हमारी पूर्व पीढ़ी जो हमसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल बड़े हैं, और हमारे में देखा जाए तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये होगा कि वे लोगों में पेशेंस था, हम लोगों में पेशेंस नहीं। चाहे हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत समझदार हैं, वे लोग कम समझदार थे, क्योंकि हर नई पीढ़ी को ऐसा लगता है कि
कि हम समझदार हैं, हमारे पुराने बुजुर्ग लोगों में समझदारी कम थी। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वे समझदार न होते तो इतना सब्र कैसे रखते। और अगर हम समझदार ज्यादा हैं तो हमारे में सब्र की कमी क्यों? उनमें सब्र कितना था? सब्र नहीं होता तो घर में 20-20 लोग, 30-30 लोग, 10-10 लोग एक साथ कैसे रह लेते? तब भी स्वभाव की विचित्रता तो सब में थी। माँ बापों का स्वभाव नहीं मिलता है, ऐसा 10 नहीं मतलब 100 में से 90% घरों में हमारे दादा दादी, मम्मी पापा, उनसे भी बड़े, उनका भी स्वभाव आपस में नहीं मिलता था, लेकिन उन्होंने तो कभी तलाक नहीं लिया। बहुत लोग है दादा के भाई लोग, वो लोग साथ रह लेते थे। हम यहाँ दो भाई, दो मित्र, दो पार्टनर, और बाकी सब तो छोड़ो, हस्बैंड वाइफ, लाइफ पार्टनर, यहाँ तो रोज की खिचड़ी समझते। सब्र की बहुत बड़ी कमी है हमारे यहाँ। रिश्ते बनने के साथ ही टूटने चालू। यहाँ तो अभी लोग सगाई करके आते हैं और उसके तुरंत साथ ही बातें चालू हो जाती है। अरे फलाने ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, ऐसा होगा तो कैसे सहन होगा, आगे कैसे निभेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे निभेगा, क्या होगा, क्वेश्चन मार्क एवरीवेयर। हर जगह सब्र की कमी। लोग दुकान डालते हैं, डालने के साथ ही ऑफिस की ओपनिंग करी, दुकान की ओपनिंग, काम चालू किया, नहीं जॉब चालू करी, उसके साथ ही क्वेश्चन मार्क चालू हो जाते। काम कर लिया लेकिन क्या सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी, फिर दुकान उठानी पड़ेगी, फिर धंधा चेंज करना पड़ेगा, फिर करना पड़ेगा तो करूंगा कैसे? और अभी तक नहीं हुआ, 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, आखिर कब तक? लोगों के दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कब तक। ये कब तक जो सवाल है ना, ये आतुरता की निशानी है, ये इम्पेशियंस की निशानी है। गुरुजन किसी को आशीर्वाद भी दे दे, भाई तेरा सब सफल होगा, बोले हमारा सब कब तक? अगला क्वेश्चन यही होना। और आप लोग इतने ज्योतिषियों के चक्कर भी क्यों काटते हो? केवल ये पूछने के लिए कि कब कब होगा, चाहे वो कुछ भी काम हो, वो बेटे की सगाई करनी हो, वो बेटी की शादी करनी हो, वो घर खरीदना हो, वो अपनी कुछ भी काम करना हो, कब होगा, कब होगा, कब होगा। ये कब का क्वेश्चन कितना हम लोगों को व्याकुल बनाए रखता है। आज देखो इतनी तोड़फोड़ हर जगह है, टूटन फूटन घर में, व्यापारिक क्षेत्रों में, संघ समाज में, धार्मिक स्थानों में, जहां भी कोई संगठन बनता है टूटन फूटन चालू दिखती है। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कह रहा है। क्या है ये सब हालात, क्यों है ये सब हालात? क्योंकि हर एक आदमी अपने मतलब को जल्दी से जल्दी सिद्ध करना चाहता है और दूसरों के मतलब सिद्ध होता देख करके सब्र रखना नहीं जानता। उसको लगता है किसी एक का हुआ तो मेरा क्यों नहीं। ये सब्र का न होना आज की दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है। बच्चे जल्दी से जवान हुए जा रहे हैं, सब्र नहीं है कि पहले बचपना तो जी ले। उनके मम्मी पापा को भी सब्र नहीं है कि बच्चे हैं बिना टेंशन के जीने दो ना, इनको इनको खाने दो, पीने दो, सोने दो, घूमने दो, फिरने दो, शिकारी करने दो, खेलने दो। मम्मी पापा कहते ऐसा कैसे, बाकी सब लोगों से पिछड़ जाएगा। और बाकी सब लोग भी यही कहते हैं कि बाकी सब लोगों से पिछड़ जाएगा। सब में वही सब्र की कमी और सब एक दूसरे को धक्का दिए जा रहे हैं जल्दी बड़ा हो। वो 40 साल की माँ सोचती है कि मेरा 12 साल 15 साल का बच्चा भी मेरे जैसे ही सोचे, बोले, करे हर काम। अरे उसका बचपना क्यों मरने दे रहे? और फिर वो जो तुम्हारी कामनाएं हैं वो अगर वो कम एज में करता है
तो तुम बहुत खुश है, और वो अपनी कामनाओं को अगर कम एज में पूरा करना चाहेगा तो तुम कहोगे ये कैसा कलयुग आ गया है। ये सब्र की कमी बहुत बड़ा कारण है। आज हमारे परिवारों में सब जगह पर जो भी बीमारी मिलती है उसके पीछे रिश्ते बिना सब्र के नहीं पकते, समृद्धि भी बिना धैर्य के न आती और आ जाए तो टिकती नहीं। आ जाएगी तो टिकेगी नहीं। जो लोग रातों रात करोड़पति हो जाते हैं उन्हें रातों रात करोड़पति होने में भी कोई समय नहीं लगता। बुजुर्गों ने जो कमाया, जो महल बनाया, उसकी नींव बड़ी मजबूत थी। उनके भवन देखो, उनके बनाया हुआ मंदिर देखो, स्थापत्य देखो, हर एक चीज देखो, उनकी नींव मजबूत होती थी। और आज हम लोगों की नींव में ही कमियां हैं। हम अपने बच्चों की नींव मजबूत होने ही नहीं देते। हम डायरेक्ट बड़े बड़े सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाना चाहते हैं। आर्टिफिशियल बिल्डिंग बन तो जाती है लेकिन जरा सा भूकंप आए, जरा सा कंपन आए, बिल्डिंग टूट जाती है और जवान बच्चे सुसाइड करते हैं, जवान बच्चे डिप्रेशन के मरीज मिलते हैं, घर घर में प्रॉब्लम्स, बीमारियां, जवानों में बीमारियां। कारण क्या? पेशेंस नहीं है। असफलता को झेलने में धीरज की जरूरत है, और असफलता को झेलने का धीरज जिनके पास नहीं है उनको सफल दीर्घकालीन सफलताएं पाने का सौभाग्य भी नहीं मिलेगा। अगर दीर्घकालीन सफलताएं चाहिए, चिरकालीन सुख चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो उसके लिए गहरा धीरज रखने की क्षमता होना बहुत जरूरी है। आप देखो भगवान आदिनाथ की जिंदगी से भगवान महावीर स्वामी तक की जिंदगी तक, वो 2400 भगवान की जिंदगी में एक सबसे बड़ा सद्गुण ये रहा कि उन्होंने हर चीज को शांति से, धैर्य से सहा। और धैर्य से सहने को ही हमारे यहां क्षमा कहा गया। आदिनाथ भगवान ने 12 महीनों तक भूख को सहा, प्यास को सहा, माहौल को सहा, लोगों की सोच को सहा, अपनी सोच व्यक्त नहीं करी, सारे लोगों की सोच को सहा। और जब उन्होंने अपनी बात व्यक्त करी तो आज युगों युग बीत गए, उनकी बात, उनका धर्म, उनका नाम, उनका यशगान पूरी दुनिया में गाया जाता है, अलग अलग नामों में लेकिन गाया जाता है, क्योंकि उनके पास सब्र था। उन्होंने अपने मन की बात तुरंत नहीं कह दी, उनको भिक्षा के लिए निकले हुए व्यक्ति को भोजन की जरूरत है, फिर उन्होंने नहीं कहा मुझे भोजन चाहिए, उन्होंने केवल लोगों के भीतर झांका और लोगों को अपने भीतर झांकने के लिए मौका दिया। लोगों की दृष्टि उगलने में समय बीत गया लेकिन तब भी उन्होंने सब्र रखा। महावीर मौन रहे, बिना सब्र के, बिना धैर्य के मौन रहा ही नहीं जा सकता। कितने लोग बोलते हैं महाराज साहब कैसे कोई मौन रह लेता है, हमें तो थोड़ी देर में भी कोई ना बोले तो जी मचलने लगता है। मौन रहे धैर्य की निशानी, इतने महीनों भूखा रहना धैर्य की निशानी है। और वो इतने धैर्यवान रहे तो महावीर कह रहा है वो हो पाए, सत्य उद्घाटित हुआ, शाश्वत शांति मिली मौन की वजह से, धैर्य की वजह से। और जैन लोगों को सबको ही धर्म में एक तपस्या भी सिखाई जाती है, उपवास करना, एकाशना करना, आयंबिल करना, रात्रि भोजन छोड़ना, नवकारसी करना, पौर्सी करना, छोटे मोटे से लेकर के कितने सारे तप संपूर्ण जैन समाज में होते हैं। इन सारे तपों का उद्देश्य क्या है? केवल भोजन छोड़ना? भोजन में ऐसा क्या है कि भोजन छोड़ना धर्म है? क्या भोजन में कोई पाप है? अगर पाप होता तो हमारे पास पेट क्यों होता? भोजन ग्रहण करना पाप नहीं है, भोजन छोड़ना कोई पुण्य नहीं है, लेकिन भोजन इसलिए छोड़ना ताकि हमारे भीतर धैर्य डेवलप हो कि हम अपनी भूख को भी शांति से देख सकते हैं, हम अपनी आवश्यक
आवश्यक है भोजन, और उसकी पूर्ति ना हो तब भी हम चुपचाप रह सकते हैं, तब भी हम समता में रह सकते हैं, हम प्रेम में रह सकते हैं, हम ज्ञान में रह सकते हैं, हम ध्यान में रह सकते हैं, हम आनंद में रह सकते हैं। भोजन ना मिले तो भी हम आनंद से रह सकते हैं, हम स्वेच्छा से भोजन छोड़ते ताकि हमारे में धीरज डेवलप हो। नवकाशी पौर्सी के सारे प्रयोग धैर्य को डेवलप करने के प्रयोग है कि सुबह उठेगी सभी लोग खाना खा रहे होंगे, पक्षी भी दाना पाने के लिए निकल रहे होंगे और आदमी के पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी वो कहेगा अभी नहीं, अभी ग्रहण नहीं करूंगा, एक प्रहर तक नहीं खाऊंगा। वो क्योंकि भूख से चालू हुई यात्रा और न जाने कितने सारे तत्वों के साथ पहुंचेगी कि पैसा चाहिए, दुनिया को मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा, आपका भाई कमा रहा है आपने, आपके पड़ोसी कमा रहे आपके आप नहीं कमा पा रहे, आपके मित्र कमा रहे आप नहीं कमा पा रहे, क्या करना? धैर्य रखना। और की टू सक्सेस वो क्या है? की वो है पेशेंस। पेशेंस इज पेनेंस। धीरज है तो तप है, धीरज ही तप है, धैर्य नहीं तो तप नहीं। हम आपको नहीं कह रहे उपवास वेला तेला कुछ भी करो, लेकिन धैर्य रखना हम सब सीखे, हम सबको जरूरत है धैर्य रखने की। क्यों जरूरत है? प्रकृति के कुछ क्रम समझे, स्वतः समझ में आएगा कि पूरा विश्व जिस एक अज्ञात व्यवस्था से परिचालित होता है, उस पूरी व्यवस्था में ऑटोमेटिकली संकोच और विस्तार होता है। हम में से कोई करना चाहे या न करना चाहे, ऑटोमेटिकली इस पूरे ब्रह्मांड में संकुचन भी होता है और विस्तार होता है। ये यूनिवर्स अपने आप को एक्सपेंड करता है और यूनिवर्स अपने आप को एकदम नजदीक लाता है, सब चीजें एकदम क्लोज होने लगती है, ऐसा भी होता है। ऑटोमेटिकली काल चक्र ऐसा चलता है कि कभी उत्सर्पिणी होती है, कभी अवसर्पिणी होती है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स इस धरती का एकदम बढ़ता है, कभी घटता है, एक सरीखा नहीं रहता। ये सारे कुछ ब्रह्मांड की व्यवस्थाएं ऐसी है और उसके बावजूद अस्तित्व सदा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि अस्तित्व में एक विशेषता है कि वो सब जो को अपने समाता जाता है, धीरज रखता है। जब संकोच होता है तब धीरज रहता है, तो वो धीरज ऑटोमेटिकली विस्तार गुण की ओर ले जाता है। जब विस्तार होता है तब धैर्य रहता है, विस्तार ऑटोमेटिकली संकोच गुण की ओर ले जाता है। फोर्स और एंटी फोर्स दोनों साथ ब साथ खुद ब खुद काम करते हैं। धरती कितना धीरज रखती है, मौसम बदलते हैं, धूप आई, इतनी तेज गर्मी पड़ी, लेकिन धरती ने धैर्य रखा, उबलने खत्म नहीं हो गए, उसके धैर्य ने बारिश को लाया, बारिश आई, इतना पानी आया, लेकिन सागर ने धैर्य रखा, मर्यादा नहीं छोड़ी। सागर मर्यादा छोड़ता इस मुंबई का क्या हाल होता, कितनी बारिश आ जाए, लेकिन कभी मुंबई का सागर मर्यादा छोड़ के नहीं आया बाहर। हम सब लोगों का जीवन सुरक्षित है क्योंकि वहां धैर्य, सबको अपने में समा लेने की क्षमता है, तो अस्तित्व सुरक्षित रहता है। वृक्षों को देखो, कितने मौसम इन पर आते ही चले जाते हैं, लेकिन ये लोग धीरज रखते हैं, तो समयानुसार फसल भी पकती है, फल भी आते हैं, सबका जीवन निर्वाह होता है। वो सब जानते हैं कि बसंत आया पतझड़ भी आएगा, पतझड़ आया है बसंत भी आएगा। हमारी सबकी जिंदगी में ये सब बातें घटती है। हम सबकी जिंदगी में बहुत लोग जुड़ते हैं, अलग हो जाते हैं, जन्म होता है, मृत्यु हो जाती है, शादी होता है, फिर किसी दिन शादी के बाद शादी खत्म भी हो जाती है, कोई एक व्यक्ति चला जाता है, कोई एक साथी छूट जाता है, सब कुछ सबके साथ होता है। बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, कभी बहुत दिन मिलते हैं, खूब जहां हाथ डालो मिट्टी में हाथ डालो सोना उगलती है, मिट्टी रेत बेच के आओ तब भी चांदी के भाव बिक जाती है, और कभी चांदी रेत के भाव बिक जाती है, सब दिन आते हैं। हर आदमी के बिजनेस के
दिन बदलते जाते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति जो धीरज रखता है, जो दुख को भी समा लेता था, सुख को भी शांति से सहन कर लेता है, दुख को भी शांति से सहन कर लेता है, व्यक्ति जिंदगी के अंदर अपनी शांति से अपने भीतर के द्वार उद्घाटित करता है। वो शांति, वो समता, वो क्षमा, वो धैर्य उसे जिंदगी के रहस्यों से अवगत कराती है। उसे ये महसूस करती है कि प्रकृति के होने वाले परिवर्तनों के बीच में भी मैं अपरिवर्तित केंद्र की भांति जी सकता हूं। जिसको सारे परिवर्तन के बीच में अपने अपरिवर्तनशील केंद्र पे केंद्रस्थ होकर जीना आया, वो ही इस जीवन के सत्य को उपलब्ध हुआ। और जो जीवन के सत्य को उपलब्ध हुआ वही सच्चा सफल इंसान है। बाकी सारी सफलताएं तो प्रकृति के चक्र के अनुसार है। आप वही आदमी हो, जब पैसा आया तब भी वही थे और जब पैसा चला गया तब भी वही हो। अगर कोई आपको तोले पैसे से, या आप खुद तोलो खुद को पैसों से कि कल मैं इतना कमाता था, मेरे पास वही बुद्धि, वही टैलेंट, वही बिजनेस, वही सब कुछ चीजें, आज क्यों नहीं कमा पाता हूं? या कल मैं नहीं कमाता था और आज कमा लेता हूं, तो उसमें मैं विशिष्ट हूं या क्या विशिष्ट है? सोचना। अगर खुद को श्रेय दोगे तो खुद को दोष भी दोगे। खुद को दोष दोगे डिप्रेशन में चले जाओगे, खुद को श्रेय दोगे ईगो में चले जाओगे। दोनों हाल में बाहर घूम रहे होंगे और तब एक्चुअल समवाय का ज्ञान न होने से, इस धैर्य गुण का आविर्भाव न होने की वजह से हम हमेशा ही प्रकंपित रहेंगे, डोलायमान रहेंगे। हम हमेशा ही अपना दर्शन दूसरों से कर रहे होंगे, परिस्थितियों से कर रहे होंगे। लेकिन हर समझदार पुरुष ने एक बात कही कि बदलते ऋतुओं की तरह बदलते इंसानों के दिन मानों से किसी इंसान का चरित्र चित्रण मत करो। ऋतुएं बदलती है, दिनमान बदलते हैं, उससे इंसान का चरित्र चित्रण मत करो। लेकिन हर युग में सारे ही लोग इंसानों का चरित्र चित्रण उनके दिनमानों से ही करते आए हैं। यही एक मिथ्या भूल हम सबसे होती रही है, होती जा रही है और भी हो रही है। बिना धैर्य के धर्म प्रकट नहीं होता। धैर्य रखना ही तप है और उसी तप से धर्म प्रकट होता है। और धर्म क्या है? अपना स्वभाव, अपनी सफलता, अपनी सिद्धि, अपना सत्य। और वो अपना सत्य क्या है? जो सारे परिवर्तनों का साक्षी है वो अपना सत्य है। जो सारे परिवर्तनों को देख रहा है, जी रहा है, भोग रहा है, लेकिन फिर भी वो जानता है मैं ये परिवर्तन नहीं हूं, मैं दोनों में के बीच में मौजूद हूं। कभी खुद को देखो ना, जब नौकरी से पहले भटक रहे थे, नौकरी नहीं मिली थी तब आप क्या थे, जब नौकरी मिल गई तब आप क्या हो, जब पैसा कम था तब क्या हो, जब ज्यादा हो गया तो क्या हो, और जब ज्यादा हो गया वापस कम हो गया तब क्या हो गया। इन सारे परिवर्तनों को देखो, खुद को इन्वॉल्व किए बिना देखो तो समझ आएगा ये सारे परिवर्तन काल चक्र से स्वर में हो रहे हैं। हमें लग रहा है मैं कर रहा हूं, हमें लगता है मैंने कमाया, और मैंने कमाया तो फिर गवाया क्यों था? लेकिन बहुत सारी चीजें जो आदमी के हाथ में नहीं है उसको हम काल का स्वभाव कहते हैं, निमित्त का स्वभाव कहते हैं, उसको हम नियति भी कहते हैं, प्रारब्ध भी है। और वो प्रारब्ध भी कोई अन्यथा नहीं है, हमारा अपना अतीत है, हमारा अपना पूर्व का चुनाव है। हमने अब तक जो रिकॉर्डिंग्स कर ली वही हमारी डेस्टिनी है। लेकिन काल और निमित्त, ये दो तत्व सृष्टि के समस्त जीवों पर वर्त रहे हैं, और ये निमित्त और ये काल, ये दोनों तत्व एक व्यक्ति के पूरे वश में कभी नहीं होते। हमारे वश में हमारा पुरुषार्थ हो सकता है, हमारे वश में हमारे प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन हमारे वश में निमित्त नहीं हो सकते सारे, हमारे वश में काल नहीं हो सकता सारा, हमारे वश में हर एक पदार्थ
सकते हैं, इन दोनों का सम्यक ज्ञान हो, दोनों का सम्यक विवेक हो, तो हमारी जिंदगी की शांति और समता को कोई हमसे छीन नहीं सकेगा। जबरदस्ती हो जाएगा वह, उसे कोई और अशांत नहीं कर सकता। फिर उसे पता है कि कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, जैसे मौसम, सर्दी गर्मी बारिश, जब जो होना होगा होगा, सूर्योदय कब होना होगा, सूर्यास्त कब होना होगा, हम में से किसी के हाथ में नहीं है। आज उत्तर में कौन सा तारा दिखाई देगा, पूर्व में कौन सा तारा आएगा, कौन सा ग्रह नक्षत्र कब उदय होगा, हमारे शुड एक्सेप्ट एज इज, शुड एक्सेप्ट। एक्सेप्टेंस पेशेंस का परिणाम है। धीरज वाला आदमी स्वीकार कर सकता है, अधीर आदमी स्वीकार कर ही नहीं सकता। अधीर आदमी हर व्याकुल होगा, आतुर होगा, तड़पेगा, उथलेगा, कूदेगा, वो उछलता हुआ क्या करेगा, वो जो अच्छा कर सकता था वो ना करके कुछ बुरा ही करेगा। इसलिए व्हाट इज की टू सक्सेस, हम आज किसकी बात कर रहे थे, और की टू सक्सेस हम बात करना चाहते पेशेंस की। पेशेंस इज द की टू सक्सेस। पेशेंस धीरज नींव है, वह है तो सब कुछ होगा, नहीं है तो बहुत कुछ आएगा, खत्म हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। रूम चीजें तो बिगड़ेगी, स्वाभाविक तौर से बिगड़ेगी, लेकिन साथ साथ हम बिगड़ जाएंगे। चीजों का जुड़ना और बिखरना स्वभाव है। हर उपलब्धि का हासिल होना और किसी दिन लूज हो जाना, खत्म हो जाना स्वभाव है, कोई नहीं बदल सकता। जो जन्मा है सो मरेगा, जो जुड़ा है सो खिरेगा, स्वभाव है, हम नहीं बदल सकते। लेकिन धीरज है, धैर्य है, खुद को तब भी बनाए रखने की क्षमता है, तो वो व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर सत्य को उद्घाटित करेगा, समझ को हासिल करेगा। धीरज के सद्गुण, धीरज के लक्षण क्या, कि जहां धैर्य होता है वहां एक्सेप्टेंस होता है, कंप्लेन होती है वहां अधैर्य होता है। एक लक्षण, हमें धीरज है या नहीं इसका पता कैसे लगेगा, अगर हम कंप्लेनफुल है हमें धीरज नहीं है। दूसरा लक्षण, धीरज आदमी में क्षमा होती है, अधीर आदमी में गुस्सा होता है। जो अधीर होगा वो तुरंत उबलेगा, तुरंत रिएक्शन करेगा, ये धीरज वाला आदमी वो इमीडिएट रिएक्शन कभी नहीं लेता, वो शांति से सुनता, समझता है, देखता है, जानता है, फील करता है, फील सब कुछ करता है, गर्मी को भी, सर्दी को भी, लोगों के अच्छे भाव को भी, बुरे भाव को भी फील करता है, लेकिन ना कंप्लेन करता है, ना क्रोध करता है, ना कभी सफाई देने जाता है, अपनी प्रामाणिकता की सफाई देने भी नहीं चाहता धीरजवान आदमी। अधीर आदमी जाएगा, अधीर आदमी साबित करना चाहेगा, मैं ये नहीं, मैं वो था, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसा था, तुमने मुझे गलत समझ लिया, तुमने मुझे गलत सुन लिया, मैं ऐसा हुआ ही नहीं। अधीर आदमी सफाई देने जाएगा, धीरज आदमी नहीं जाएगा। धैर्य का लक्षण है, धैर्य का कौन लक्षण है, कि धैर्यवान आदमी वो जिस भी निष्ठा को धारण किए हुए हैं उस निष्ठा में मजबूत रहता है। अगर उसको है कि मुझे चीज पानी है तो पानी है, मैं बैठा हूं, रास्ता निकलेगा अपने आप से, उसको विश्वास है कि रास्ते निकलेंगे अपने आप से, मुझे अगर इसको पाना है तो पाना है, रास्ता निकलेगा अपने आप से। ये लक्षण धैर्यवान का होता है। अधीर आदमी का, अगर मुझे इस रास्ते से नहीं मिला तो या तो मैं मंजिल बदल दूंगा या मैं रास्ता तोड़ दूंगा, आक्रामक होता है, विध्वंसक होता है वो, या तो अपने घड़ी घड़ी लक्ष्य बदलेगा या घड़ी घड़ी रास्ते। लेकिन धीरज वाला आदमी वो कहता है रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे, लक्ष्य पक्का है।
पक्का है, शांत होना है तो भी पक्का है, सन्यासी होना है तो भी पक्का है, जो उसने सोच लिया तो होगा, रास्ते खुद ब खुद निकलेंगे, वो धीरज का लक्ष्य है। लेकिन फिर एक सवाल बाकी हो गया कि अच्छा महाराज साहब, आपने धैर्य के लक्षण तो बतला दिए, लेकिन वो धैर्य को डेवलप कैसे करें अपने आप में? व्हाट इज द प्रोसेस? इज देयर एनी प्रोसेस धैर्य गुण को डेवलप कर सके? मैंने भी बहुत सोचा इसकी कोई प्रोसेस रहेगा नहीं, क्योंकि जिसमें होता है उसमें दिखता है, जिसमें नहीं होता उसमें नहीं होता, और जिसमें नहीं है उसको उपदेश लाभ दे दो लेकिन उसके पास आता ही नहीं है, जिसके पास है उसके पास रहता है। तो अभी इसको प्रोसेस क्या होती है कि धैर्य गुण को डेवलप कैसे करें? अगर कोई व्यक्ति बात बात में उबलने वाला आदत वाला है, उसको कैसे हम धीरे जीवन बना सकते हैं? कोई उपाय है? है कोई उपाय? उपाय तो है, बताइए क्या उपाय हो सकता है। धीरे धीरे अपने भीतर धैर्य के गुण को डेवलप करें, उसके लिए कुछ उपाय भी होने चाहिए। एक उपाय संतों की वाणी में मिलता है, पुराने संतों की वाणी में, चाहे वो कबीर की वाणी है या दादू दयाल की वाणी है, एक उपाय मिला। प्रेम बिना धीरज नहीं, विरह बिना वैराग्य। वो लोग लिखते हैं कि प्रेम बिना धीरज नहीं, अगर प्रेम होगा तो धैर्य भी होगा, प्रेम नहीं होगा तो धैर्य भी नहीं। मुझे तो बहुत अच्छा आंसर लगा ये, प्रेम बिना धीरज नहीं। अगर तुम्हें अपने लक्ष्य से प्रेम है तो उस लक्ष्य को हासिल करने का धीरज भी होगा। अगर तुम्हें अपने परिवार से प्रेम है तो परिवार में कितनी भी छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा क्रोध आवेश आता रहे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने घर में रहने का धीरज होगा। होगा उन भाइयों के साथ जो आज लड़ रहे हैं, जो आज तुम्हारे साथ झगड़ा कर रहे हैं, अगर तुम्हारे को प्रेम है तो धीरज रहेगा, तुम नहीं झगड़ा करोगे, झगड़ा कर भी तो भी धीरज रहेगा कि तुम साथ बने रहोगे, अलग नहीं होगे। प्रेम है तो धीरज रहेगा, प्रेम नहीं है तो फिर मुश्किल है। वो प्रेम किसी से हो, चाहे आपका कोई लक्ष्य हो, प्रतिष्ठा लक्ष्य हो, परिवार लक्ष्य हो, कुछ भी लक्ष्य वो अपने के लिए रख सकता है। जिसको अपने लक्ष्य से प्रेम नहीं है वो धीरज नहीं रख सकता। एक बात प्रेम पे देखो, आपका प्रेम कितना है, वाकई है या उथला है, कहने को है या हकीकत। अगर है पत्नी को आपस में प्रेम है, फिर अगर एक गुस्से वाला दूसरा उसको संभाल, दूसरा धीरज ले। माँ को प्रेम तभी वो 9 महीने धीरज रख सकती है बच्चे को, की निशानी मान। इसलिए दुनिया में धैर्य का और धैर्य कैसा, धरती जैसा, और धरती मतलब मां, धरती मां देवी है, तो सारी माताओं में धैर्य है, इसी कारण से मां जननी है, मां जनन कर सके, पैदा करती है, धीरज है। पुरुष में धीरज नहीं, पुरुष जननी नहीं हो सकता। तो मां इस गुण को प्रणाम करें तो वो गुण सब में डेवलप होगा कि सबको धीरज रखना आएगा। धरणी साधर धैर्य गुरु की, करु परिक्रमा साक्षात। मां में धीरज गुण है उसको देखो, गुरु में धीरज का धैर्य गुरु में, वो अपने शिष्य की ABCD से यात्रा शुरू करवा करके उसको सिद्धत्व तक ले जाता है। उस पूरी अवस्था में उस शिष्य के अंदर से कितना कुछ निकलता है, ज्वालामुखी भी फूटती है, भूकंप भी आता है, उत्तेजनाएं भी निकलती है।
निकलती है, आवेश भी निकलता है। वो शिष्य अपने गुरु को मारने दौड़ने भी पहुंचता है, लेकिन गुरु फिर भी धीरज रखता है। वो जानता है कि शिष्य इन सारे पड़ावों से गुजर जाएगा, एक दिन जब सिद्ध हो रहा होगा तब कहेगा ये गुरु ही था जो सड़क बना, गुरु ही था जिसने धीरज रखा, जिसने मेरे सारे विष को पिया दिया। तो धैर्य की तारीफ कर गुरु के धैर्य को देख पाए, अपने माता पिता के धैर्य को देख पाए, अपने रिश्तेदारों में रहे हुए धैर्य गुण को देख पाए और उनके जिसमें जो धैर्य है देखो, सबके धैर्य को देखो, जिस गुरु ने अपने अगर हम देख पाते कि कितना धैर्य मेरी माँ में, बच्चा बड़ा हो गया उसकी शादी कर दी, उसके अपने बच्चे हो गए तब भी वो अपने बच्चे के दुख सुख के लिए दिन रात जागती है, दिन रात दुआ करती है, प्रार्थना करती है, बच्चा सुखी रहे, उस बच्चे की माँ का धैर्य दिखना चाहिए, वो धैर्य उसमें भी किसी दिन आ जाएगा। वो धीरे है तो होता है, मीठा हो जाता है। देखो कच्चे आम हम तोड़ते हैं खट्टे होते हैं, वही आम जब पक जाते हैं उसमें अंदर रस आ जाता है, वो कैसे पके, वो खट्टे से मीठे कैसे हो गए, क्योंकि वृक्षों ने उन खट्टे आमों को धीरज से पकड़ के रखा और खट्टे आमों ने भी अपने आप को वहां स्थापित रखा, वो धैर्य से खटाई भी मिली। जहां लगे खटाइयां है ना, जिंदगी के किसी मोड़ पे, किसी रिश्ते में, किसी हालात में, किसी क्षेत्र में लगे यहां खटाइयां हैं, क्या करना, धैर्य रखना। धैर्य रखना वो सारा खट्टापन मीठापन में बदल सकता है, धैर्य रखना। कहते दार्शनिक ने दिन बोला कि अगर धैर्य गुण हो तो सब कुछ संभव है, तो पूछने वाले ने कहा ऐसा कैसे, सब कुछ कैसे संभव है, क्या तुम पानी को चलनी में स्थापित कर सकते हो धैर्य से, पानी को चलनी में, जैसे पानी छानते हैं उस पानी को चलनी में रोक सकते हो धैर्य से। तो कहने वाले आदमी ने जब कहा था कि धैर्य तो सब कुछ संभव है, उसने कहा बिल्कुल रोक सकता हूं, इन पानी को बर्फ होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। अगर पानी बर्फ होने तक का इंतजार कर सके तो वो चलनी में आकर के भी बना रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। धैर्य हम देखें अपनी जिंदगी, हमारी लाइफ में जहां जहां हमें लग रहा है कि अभी सक्सेस में बाधाएं हैं, कितनी भी बाधाएं हो, एक गुण को अपनाए रखना, धैर्य को। अगर धीरज है तो बाधाएं अपना रास्ता खुद बताएगी, बीमारी अपने ठीक होने का रास्ता खुद देगी, लेकिन दिक्कत क्या है, हम लोग तो इतने अधीर है कि एक डॉक्टर से दवाई लेकर आए, उसने बोला 5 दिन का कोर्स है और अभी 2.5 दिन बीत गए अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो 3री रात तक तो हम किसी और डॉक्टर को कंसल्ट करने चले जाए नहीं, और कई लोग तो 5 दिन के अंदर 5 डॉक्टर बदल चुके होते हैं और 5ों डॉक्टर से एक ही बात मिलती है कि ये तुमको दिया है दवाइयां, वो 3 दिन तक लगातार लो फिर मिलना, लेकिन हमें 3 दिन तक का धीरे चाहिए, हमें तो इमीजिएट ठीक होना मानता है। वो इमीजिएट होने के चक्कर में हम अपने शरीर में कितने सारे ड्रग्स ले लेते हैं और नई बीमारियों को बुला लेते हैं। धीरज का भाव आदमी से कुछ है। जब आदमी थोड़ी बहुत विपरीतताओं और प्रतिकूलताओं और परेशानियों में परेशानियों को और बढ़ाता है, और अगर वो में कुछ नहीं करता तो शायद प्रतिकूलता सब कुछ बता देती, लेकिन हम प्रतिकूलताओं का प्रतिकार करने पहुंचे, प्रतिकूलताओं ने विकराल रूप धारण कर लिया,
अनुभवों को प्राप्त समझदार लोग कहते हैं कि तुम परेशानियों में परेशान होकर के उसने जाओ, तुम प्रतिकूलताओं का प्रतिकार करने में जाओ, तुम धीरज से डटे रहो, अपने तुम्हारा रास्ता प्रतिकूलताएं खुद देंगे। व्हाट इज की टू सक्सेस? धीरज रखना सीखो तो क्या होगा? काल एक ऐसा समवाय है जो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन धीरज रखा तो वो काल आदमी को अपने लक्ष्य पर पहुंचाता है। धीरज रखा तो स्वाभाविक तौर से प्रकृति हमारे स्वभाव को प्रकट करने में मदद करती है। पानी धीरज रखता है सागर तक पहुंचने की यात्रा में, वो कितने बाधाएं रोड़े चट्टाने सब कुछ आता है, लेकिन पानी बहता रहता है तो एक दिन सागर तक पहुंच ही जाता है। धीरज रखना होगा बस। हम इनके धीरज गुण को डेवलप करें प्रेम से, और जिन जिन में धैर्य है उनके धैर्य को देखें, उनके धैर्य को देख आभार भाव पैदा है, प्रणाम का भाव है, नमस्कार का भाव है, उनके धैर्य को देखकर आदर का भाव आए, हमारे में भी धैर्य गुण डेवलप हो जाएगा। और तीसरी उपाय यह है कि हमें जिस चीज को लेकर के अधीरता होती है उस स्थानों पर थोड़ा सा मौन और उपवास करना सीखे। मौन और उपवास केवल वचन का ही नहीं होता या केवल भोजन का ही नहीं होता, मौन और उपवास हर उस चीज पे जहां हमें लगता है कि हम अधीर है वहां पे रुक जाए, वहां पे मौन करो, इंद्रियों को शांत करना मौन है, वहां पे उपवास करना यानी ब्रेक देना उपवास है, वहां पे ब्रेक दे दो, वो कोई भी सब्जेक्ट हो ब्रेक दे, लेकिन अपने आप को हिलाओ मत, खुद को केंद्रस्थ रखो, तो देखो परिस्थितियों का चक्र बदलेगा ही बदलेगा, स्वतः जो आज प्रतिकूल दिख पड़ता है कल अनुकूल हो जाएगा, जो आज दूर दिख पड़ता है कल नजदीक आ जाएगा, लेकिन हमें धैर्य में रहना, जो धैर्य में है वो धर्ममय है, जो धैर्य से चूका धर्म से चूका। धैर्य आपको आध्यात्मिक हो या भौतिक हो हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, धैर्य ही मजबूत नींव का कारक बनता है, वो धैर्य रूपी मजबूत नींव हमारे भीतर है तो जैसी भी इमारत हम खड़ा करना चाहेंगे वो खड़ी हो ही पाएगी। यही धैर्य गुण हम सब में विकसित हो, ये हम सबकी मंगल भावना। ओम शांति।